हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं सारी लुक्स फॉर मैरिड गर्ल्स एंड अनमैरिड गर्ल्स। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं कि मैं फेयरवेल लुक शेयर करूं, पूजा के लिए लुक्स शेयर करूं, शादी में कैसे साड़ी पहने कम ज्वेलरी के साथ ऐसा कोई लुक शेयर करूं, एंड अनमैरिड गर्ल्स कैसे साड़ी पहने, मैरिड गर्ल्स कैसे साड़ी पहने। तो मैंने सोचा मैं कंबाइन एक वीडियो बना देती हूं जिसमें मैं मैरिड गर्ल्स के लिए भी लुक्स शेयर करूंगी, अनमैरिड के लिए भी लुक्स शेयर करूंगी। बाकी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आपको जो पसंद आया आप वो लुक ट्राई कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रेफरेंसेस है, कम ज्वेलरी के साथ, ज़्यादा ज्वेलरी के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, ब्लाउज के साथ, तो आप देख लेना। और जितनी भी साड़ीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगी ना, ये सभी अमेज़ॉन से है। तो ये एक स्टाइलिंग कम हॉल वीडियो भी होने वाला है क्योंकि सारी आइटम्स ऑनलाइन हैं एंड सबके परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माई हॉल स्टोर में आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा पूरा कलेक्शन। इनफैक्ट जो भी मेरी पुरानी चीज़ें हैं ना, जो भी मैंने ऑनलाइन ली हुई हैं, उन सबके लिंक्स भी मैंने वहाँ पर अपडेट किए हुए हैं। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद आती है ना मेरी वीडियोज़ में, तो आप वहाँ पर माई हॉल स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर वो ज़रूर आपको मिल जाएगी अगर वो ऑनलाइन होगी तो। अदरवाइज सभी चीज़ें फिर ऑफलाइन जाती हैं। जैसे आज की वीडियो में भी कुछ कुछ टॉप्स ऐसे हैं जो मैंने शीइन से लिए थे, जो मेरे पुराने टॉप्स हैं, एंड अभी तो वो साइट बैन है तो उनके लिंक्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। बट ये जो क्रॉप टॉप्स हैं जो अमेज़ॉन से हैं मेरे पास, उनके लिंक्स मैं आपको ज़रूर दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। सो या चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली साड़ी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। पूरी साड़ी में एक हल्की सी शाइन है, वाइट कलर में है एंड बड़े बड़े फ्लावर्स प्रिंटेड हैं डीप वाइन कलर में। इस साड़ी को पैक किया है मैंने वेलवेट क्रॉप टॉप के साथ। दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन ओनली, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई हुक बटन जिप क्लोजर नहीं है कि इसको ओपन करके पहन लो। ज़बरदस्ती इसको सर के ऊपर से खींच तान के मुझे पहनना पड़ता है एंड लिटरली मेरा सर दुखने लगता है। लेकिन इसका जो लुक है ना वो बहुत स्मार्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसका फिट बहुत अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो मैंने इसको स्टाइल कर लिया इस साड़ी के साथ, एंड ऐसे हाई नेक्स के साथ मुझे हाई बन बनाना पसंद है, इसलिए ये हेयर स्टाइल किया है क्योंकि काफ़ी क्लीन लुक आता है। नाउ लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत कम ज्वेलरी पहनी है इसके साथ, गोल्ड प्लेटेड डेंटी ईयरिंग्स पहने हैं और एक ब्रेसलेट पहना है विद वेरी लाइट मेकअप। सो इफ़ यू वॉन्ट अ मॉडर्न गर्ली लुक, तो आप ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हैं दिन के लिए, रात के लिए, ऐसा सिंपल येट स्टाइलिश लुक परफेक्ट है। आप इसको फेयरवेल फंक्शन के लिए स्टाइल कर सकते हैं या फिर नाइट पार्टीज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ इसी साड़ी को हैवी लुक दिया है मैंने, विच इज़ परफेक्ट फॉर वेडिंग फंक्शंस, स्पेशली फॉर मैरिड गर्ल्स, बट अनमैरिड गर्ल्स भी इसको ट्राई कर सकती हैं इफ़ यू लाइक टू वेयर हैवी ज्वेलरी। सो इस साड़ी को मैंने इस सिल्वर सीक्वेंट क्रॉप टॉप के साथ पैक किया है जो मैंने शी इन से लिया था। काफ़ी ब्लिंगी लुक है तो रात के फंक्शंस के लिए सही है। इस क्रॉप टॉप का नेक काफ़ी छोटा है बट फिर भी काफ़ी जगह है कि मैं एक चोकर नेक पीस पहन सकूँ, तो मैंने ये मिरर सिल्वर चोकर नेकलेस पहना है विद स्टड ईयरिंग्स। रात में काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी ज्वेलरी, काफी यू नो शाइन करती है, एंड अगेन मैंने हाई बन बनाया है सो दैट मेरी नेक एकदम हाइलाइटेड दिखे, लुक पूरा क्लीन दिखे। इसके साथ मैंने सीक्वेन पार्टी क्लच ऐड किया है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट आई हैव पिक दिस सैटन साड़ी फ्रॉम अमेज़ॉन। मेरे पास ऐसी एक ऑलरेडी साड़ी है जो मैंने फैब्रिक लेकर DIY की थी, बट दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। क्वालिटी ठीक ठाक है, थोड़ा थिक सैटन फैब्रिक है एंड इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं। नाउ एक ट्रेंडी मॉडर्न लुक के लिए मैंने इसको अगेन अपने शीइन के क्रॉप टॉप के साथ पैक किया। लास्ट ईयर भी सेम टॉप के साथ मैंने सेम प्लेन साड़ी लुक क्रिएट किया था, बस कलर डिफरेंट था और ज्वेलरी डिफरेंट थी। इस लुक के लिए मैंने गोल्ड प्लेटेड स्टड ईयरिंग्स पहने हैं और ये बप्पी लहरी जी की चेन पहनी है, या फिर आप बोल सकते हो कि बैग से निकाल कर चेन गले में डाल ली है क्योंकि बिल्कुल वही लग रही है। देखो सेम है मेरे बैग की चेन भी, बट इट्स क्वाइट ट्रेंडी दीज डेज एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट पेयरिंग विद माई साड़ी एंड दैट्स इट। मैंने वाइट कलर में ये हैंड बैग कैरी किया है एंड वॉच पहनी है एंड ऐसा लुक परफेक्ट है डे इवेंट्स के लिए, फेयरवेल या फिर कैजुअल मीटअप्स के लिए। I can fly, yeah.
Now for married girls, थोड़ा हैवी लुक दिया है इस साड़ी को रात की पार्टीज के लिए। यहाँ पे मैंने ब्लैक सीक्वेंट क्रॉप टॉप पहना है एंड साड़ी को ओपन पल्लू स्टाइल में ड्रेप किया है इस बार, जिससे थोड़ा रॉयल लुक मिले मेरी सस्ती सी साड़ी को। ज्वेलरी के लिए ब्लैक बीड्स एंड स्टोन वाला ये सेट पहना है और ये पोटली बैग स्टाइल किया है। एंड दिस इज माई कम्प्लीट लुक फॉर नाइट पार्टीज, वेडिंग इवेंट्स, और अनमैरिड गर्ल्स भी इवन इसको ट्राई कर सकती हैं वेडिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि ज्वेलरी भी काफ़ी लाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट लुक है लिनन साड़ी लुक, विच इज एक्चुअली नॉट अ रियल लिनन बट अ नाइस क्वालिटी कॉटन साड़ी। इसमें येलो कलर में बॉर्डर है, सेटिन टाइप की फिनिश है, कलर काफ़ी सुंदर है, दिन के लिए स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। नाउ फॉर अनमैरिड गर्ल्स, मैंने इस साड़ी को क्रॉप टॉप के साथ पहना है प्लीटेड स्टाइल में एंड सिल्वर ज्वेलरी पहनी है विद हाई पोनी टेल एंड साथ में अगेन ये स्लिंग बैग कैरी किया है और मेकअप काफ़ी हल्का रखा है मैंने। सो दिन के लिए किसी भी कैजुअल इवेंट के लिए या फिर फेयरवेल फंक्शन के लिए भी सही है, इवन फॉर समर्स दिस लुक इज सो कम्फर्टेबल। मैंने क्रॉप टॉप की जगह पे ये ब्लाउज पहना है, ये मिंत्रा से मैंने लिया था एंड थोड़ा सा सिल्क टाइप का मटेरियल है, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, रेडीमेड ब्लाउज है। बाल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए हैं एंड ज्वेलरी के लिए मैंने हैंडमेड ज्वेलरी पैक की है। इसमें येलो बीड्स हैं, सिल्वर फ्लावर्स की डिटेलिंग है, परफेक्टली मैच हो रही है साड़ी से एंड इसके साथ मैंने सिल्वर झुमकी इयररिंग्स पेयर किए हैं। ये क्लच कैरी किया है एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस यू कैन ट्राई फॉर एनी पूजा, किसी पूजा के लिए या फिर किसी ट्रेडिशनल इवेंट के लिए, हल्दी फंक्शन के लिए, दिन के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसा लुक। नाउ अब आते हैं प्रॉपर कॉटन साड़ी लुक पर। दिस साड़ी इज इन कॉटन फैब्रिक न्यूज़पेपर प्रिंट में एंड पूरा ब्लैक एंड वाइट है, तो इसके साथ मैं पेयर करूंगी ये टॉप। साड़ी ड्रेप करने के बाद ऊपर से टॉप पहन के मैंने अपनी प्लीट्स को लूजली पिनअप किया है और फिर एक बेल्ट स्टाइल की है, स्टड इयररिंग्स पहने हैं, ये हैंड बैग स्टाइल किया है और एक हाई पोनीटेल बनाई है। मुझे ऐसे लुक्स डिफरेंट लगते हैं थोड़े से, बहुत पसंद आते हैं स्पेशली फॉर्मल लुक के लिए, काफ़ी कम्फर्टेबल भी रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट, बार बार पल्लू को संभालना नहीं पड़ता, एक ही जगह पर पल्लू सेट रहता है पूरे दिन। सो इफ यू आर अ वर्किंग गर्ल और लेडी यू कैन ट्राई दिस लुक फॉर फॉर्मल मीटअप्स एंड इवेंट्स एंड इवन फेयरवेल के लिए भी काफी स्मार्ट रहेगा उन गर्ल्स के लिए जो अपने टमी एरिया को भी कवर करना चाहती हैं और साथ ही साथ स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं। द लास्ट एंड माई फेवरेट इज दिस लुक। थोड़ा सा और ड्रेसी दिखने के लिए मैंने रेड कलर में क्रॉप टॉप पहना है साड़ी के साथ ओपन पल्लू स्टाइल में एंड अगेन ये हैंडमेड नेकलेस पहना है फ्रॉम कारी आर्ट स्टूडियो। इनका इंस्टा पेज मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी हैंडमेड कस्टमाइज ज्वेलरी में इंटरेस्ट है तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करना, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है इनका। सो लुक तो एकदम सिंपल है बट इस न्यूज़पेपर प्रिंट की वजह से ना काफ़ी मॉडर्न लग रहा है, तो दिन के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा ओवरऑल। वैसे तो ये लुक मैंने मैरिड गर्ल्स के लिए क्रिएट किया है बट अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी लुक आपको पसंद आए आप ट्राई कर सकते हो, सभी सारी लुक्स सभी के लिए हैं। तो चलिए ऑन दिस नोट मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना, बाकी और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट ज़रूर करना या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। 'Cause I can fly.